हेलो स्टूडेंट, एग्री सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा में आने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कॉटन, जिसे हम कपास बोलते हैं। कपास को शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि लिंट होता क्या है, ये इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि लिंट किसको बोलते हैं। तो कपास का जो लंबा रेशा होता है, जो उसकी रुई कॉटन में से निकलता है, जैसा कि मैंने डायग्राम दिखा रखा है आपको, तो ये जो पिक्चर है इसको हम आप लिंट बोलेंगे। ओके, यानी ये डेफिनेशन है, कपास के लंबे रेशे को लिंट कहते हैं। सेकंड हम बात करेंगे, जो टर्म है उसे बोलते हैं हम फज। फज क्या होता है? छोटे रेशा, लंबा रेशा आपने देखा, उसे हम लिंट बोलते हैं। और वहीं बात करें कि छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं? फज। अब ये आपकी कॉटन है, ये उसकी सीड है, देखो आपको छोटे छोटे रेशे नज़र आ रहे होंगे इसमें। फिर हमने इसे रिमूव किया, फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला? कॉटन का सीड मिल गया। सीड से छोटे छोटे जो रेशे को हमने अलग किया, उसे हम फज बोलते हैं, जो कि डायग्राम में साफ आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म की जो हम बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें कि एक्चुअली गांठ या बेल कॉटन में होती क्या है। तो एक गांठ का वजन, जो एक बेल है, जहाँ के आपको फोटो में अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि ये बेल है, इसका जो वेट होता है ये कॉटन में कितना होता है? 170 kg, यानी 170 किलो की एक बेल होती है। और वहीं हम बात करें जूट की, तो वहाँ पर उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 180 kg। होप्स आप सब लोग समझ पा रहे हो। अब ये सीड कॉटन और कॉटन सीड, ये दोनों टर्म बहुत कंफ्यूज करती हैं। जैसे हम देखते हैं सीड कॉटन, मैंने हिंदी में भी नाम लिख रखा है, जिसे आप लोग बोलते हो बिनोला, तो ये क्या है? कॉटन सीड सीड है। आपको इस तरीके से इसे 5 या 6 बार बोलना पड़ेगा कि कॉटन सीड सीड है, इसमें आपका लिंट इंक्लूड नहीं होगा। कॉटन सीड क्या है? सीड है। कॉटन सीड सीड है, ये आपकी टर्म हो गई है। लिंट को हटाने के बाद जो बीज बचता है उसे आप क्या बोलते हो? बिनोला या कॉटन सीड। अब हम वही उल्टी बात करते हैं सीड कॉटन की, तो सीड पहले आ रहा है कॉटन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सीड भी होगा और लिंट भी होगा, यानी आपका बीज भी होगा और उसका रेसा भी होगा, ठीक है। ये दोनों, बिनोले में सिर्फ बीज होगा, उसमें रेसा नहीं होगा, पर वहीं बात करें हम सीड कॉटन की, तो उसमें बीज भी होगा और आपका रेसा भी होगा। तो ये हो गया। अब आ गया गिनिंग। गिनिंग को हम क्या बोलते हैं? ओटाई। कपास में बिनोले व रुई को अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। ये कपास है, ये आप डायग्राम से देख रहे हैं, यहाँ से आ रही है, ये प्रोसेस है, यहाँ पर ये सीड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लीन कॉटन निकल रही है, सेपरेट हो रही है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड गिनिंग। कपास में बिनोला व रुई को, ये बिनोला और रुई को अलग करने की जो भी विधि है, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड इज कॉल्ड जिनिंग। ओके, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 33% होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। अब सेकेंड जो टर्म है वो क्या है? डीलिंटिंग। हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने लिंट के बारे में पढ़ा है, हमने फज पढ़ा है, हमने सीड कॉटन और कॉटन सीड क्या होता है वो पढ़ा है, हमने गिनिंग पढ़ा है। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो टर्म क्या है? डीलिंटिंग। मैंने आपको लिंट बताया था, लिंट क्या होता है? रेसा होता है, और डी, जिसके आगे डी लग गया, यानी उस रेसे को कहीं ना कहीं हमें रिमूव करना है। तो सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कपास, कपास के से जो वो रुई होगी उनसे रिमूव करना, कॉटन फाइबर को अलग करना, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े फज के ऊपर चिपके हुए हैं, यहाँ से क्लीन कॉटन के सीड हमें मिले, तो इसी को डीलिंटिंग बोलते हैं। सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कपास, दैट इज कॉटन फाइबर। अब इसको हम रिमूव कैसे करेंगे? तो वो H2SO4 के सॉल्यूशन में करेंगे। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml/kg। ओके, सीड को हम ड्रॉप करेंगे और फिर हम उसे निकालेंगे, तो सेपरेशन हो जाएगा, यहाँ पे सीड्स अलग सेपरेट हो जाएंगे और उनके फाइबर अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉपिंग की।
तो टॉपिंग की वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं बात हो रही है टॉप लेवल की। जैसे हम बोलते हैं टॉप, तो टॉप क्या होता है? द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट, है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो टॉपिंग क्या होता है? वृद्धि कारक शीर्ष भाग को एक बार हटाया जाता है। जो वृद्धि कारक है, यानी आपको पता है ऑक्सीजन क्या काम करता है, वो ऊपर वाली जो आपका जो प्लांट है उसके ऊपर वाली टिप पॉइंट को, टॉप वाले पोर्शन को बढ़ाने का काम करता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है टॉपिंग करना? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, वृद्धि कारक शीर्ष भाग को एक बार हटाया, तो रिमूवल ऑफ अपर बर्ड इट्स कॉल एज टॉपिंग। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, अपर टॉप पोर्शन को इन खेत से मतलब प्लांट से हटा दिया, तो फिर क्या है इसमें 1 to 1.2 meter प्लांट हाइट। अब ये करते कब है? ये जब प्लांट की हाइट 1 to 1.2 meter प्लांट का हाइट हो जाएगा, या फिर प्लांट को उगाने के सोमिंग के 80 to 90 days बाद हम उसके ऊपर वाली पोर्शन को हटा देंगे। अब ये हटाएंगे कि उससे होगा क्या, क्या फ़ायदा है हटाने से? तो उसको जब हम हटाएंगे तो प्लांट्स टॉप की तरफ ना बढ़ के लैटरल ब्रांच उसकी बढ़ेगी। लैटरल ब्रांच बढ़ने से क्या होगा, उसमें बॉल्स ज़्यादा बनेंगी, फॉर्मेशन ज़्यादा होगा बॉल्स का, तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, प्लस उसकी और भी ज़्यादा हमें यील्ड मिलेगी और अच्छी क्वालिटी का बॉल्स मिलेंगी। अब हम दो इंस्टीट्यूट, कॉटन से रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट आपको याद करने हैं जो कि हमारे इंडिया में है। फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च, जिसे हम CICR भी बोलते हैं, दैट इज कॉटन सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च। ये कहाँ पे है? ये है नागपुर महाराष्ट्र में। दोबारा बोलिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च CICR कहाँ पे है? वो है नागपुर महाराष्ट्र में। सेकंड हम बात करेंगे कि हमें और भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च कॉटन टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो टेक्नोलॉजी के मामले में मुंबई बहुत एडवांस है, तो वो कहाँ पे होगी? वो मुंबई महाराष्ट्र में होगी। ओके, ये दो इंस्टीट्यूट आपको लर्न करने हैं, कॉटन से रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट है CICR और देन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च कॉटन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नाम अगर आ गया तो वो है मुंबई में। अब हम कपास का, जो मैंने जो टर्म्स थी जो भी इसमें आएंगी वो मैंने पहले वाली स्लाइड में आपको कवर कर दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-1 marks में आती हैं। और ये हम कपास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हमें पता है कपास दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी देसी कपास और एक होती है हमारी अमेरिकन कपास। देसी कपास जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2N = 26, यानी 2N = 26। इसमें दो किस्में आती हैं, दो स्पीसीज आती हैं हमारी। फर्स्ट है गॉसिपियम अर्बोरियम, सेकंड है गॉसिपियम हर्बेसियम। दो कौन कौन सी हैं आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको भी लर्न हो जाए। देसी कपास है और एक अमेरिकन कपास है, तो दोनों के क्रोमोसोम नंबर अलग होंगे, देसी कपास के कम होंगे, अमेरिकन कपास के ज़्यादा होंगे। उसके 26 होंगे, इसके 52 होंगे, 52 होंगे। तो पहला क्या है, गॉसिपियम, इसका गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम, ये कौन सी है? देसी कपास। अब हम बात करते हैं अमेरिकन कपास की, तो गॉसिपियम हिर्सुटम जिसे हम अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, और सेकंड है गॉसिपियम बारबेंडस जिसे हम इजिप्टियन कपास बोलते हैं। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली जो कपास है वो है हमारी गॉसिपियम हिर्सुटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बीटी कॉटन क्या है, टर्म है बीटी कॉटन क्यों लाई गई, क्योंकि कपास में बहुत ज़्यादा पिंक बॉलवॉर्म और अमेरिकन बॉलवॉर्म का अटैक होता है, उसको निजात पाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने बीटी कॉटन को जैव प्रौद्योगिकी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है इसे। वो जो है बीटी दैट इज बैसिलस थ्रेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हमने बीटी कॉटन, और ये बायोटेक्नोलॉजी के तैयार की, कमर्शियली जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा की गई, हमारे भारत में एक ही ऐसी क्रॉप है जिसे हम GM क्रॉप बोलते हैं, दैट इज बीटी कॉटन।
बीटी कपास बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई हाइब्रिड है, जो लटों यानी कौन सी ऑर्डर की लटों को, ये जो लैपिडोप्टेरा के प्रति प्रतिरोधक हैं, क्योंकि पिंक बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म, ये कौन से उसके अंदर आते हैं, तो वो लैपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं। अब बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी टर्म है, दैट इज़ रिफ्यूजिया। रिफ्यूजिया है क्या? बीटी कपास का आपका खेत है, ओके, यहाँ पे आपने सब जगह बीटी कॉटन लगा रखी है। अब बीटी कपास के खेतों के चारों तरफ 20% एरिए पे, 20% एरिए पे आपने नॉन बीटी क्रॉप लगा ली। नॉन बीटी क्रॉप को उगाना ही रिफ्यूजिया कहलाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि रिफ्यूजिया है क्या। तो रिफ्यूजिया क्या है? बीटी कपास के खेतों के चारों तरफ जब हम नॉन बीटी लगाते हैं तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं? रिफ्यूजिया। अब आप ये सोचेंगे कि इससे होता क्या है? तो जो भी पेस्ट और डिजीज हैं, जो पेस्ट और इंसेक्ट हैं, जो कॉटन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो जो नॉन बीटी हमने 20% एरिया पे उगाए हैं वो उनको खाएंगे। उनको तब तक खाएंगे जब तक हमारी क्रॉप काफ़ी मेच्योर होती हो जाएगी। इससे हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं उसे। तो दैट इज रिफ्यूजिया। हमारा क्षेत्रफल बीटी कॉटन में कितना है, ये दोस्तों प्लीज़ ये स्टूडेंट्स पुराने डेटा हैं, मैं जब भी अपडेट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। दैट इज 12.6 मिलियन हेक्टर। अब हम बात करते हैं बीज दर की, कि बीटी कॉटन की सीड रेट क्या है। तो बीटी कॉटन की सीड रेट सबसे कम है, दैट इज वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 1.5 kg per hectare। आप इसे नोट डाउन प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीटी कॉटन की जो सीड रेट है ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, ये है 1 से 1.5 kg per hectare। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पे हम बीटी कॉटन को ग्रो करते हैं, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, दैट इज 100 × 100 cm, जिसमें 1 hectare में आपके 10,000 plant ग्रो किए जा सकते हैं। अब आपको पता है कॉटन का जो कुल है वो कौन सा है, ये मालवेसी है, सुपरवाइजर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति स्थान हमारा भारत है, इंडिया है, इम्पॉर्टेंट। कॉटन कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की, दैट्स वाई हम इसे वाइट गोल्ड बोलते हैं। कॉटन को क्या बोला जाता है, सफ़ेद सोना। कॉटन को हम सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। कॉटन लेंथ इज़ मेजर, कॉटन की जो लेंथ होती है लिन की वो किससे मेज़र की जाती है, वो है आपका एरेलोमीटर, दैट इज़ एरेलोमीटर, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल कंटेन कितना होता है कॉटन के सीड्स में, तो दैट इज़ 15-25% ऑयल कंटेन कहाँ से मिलता है, कॉटन के सीड से। जर्मिनेशन टाइप कौन सा है, दैट इज़ एपिजियल। 2 टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, हाइपोजियल एंड एपिजियल। तो कॉटन का जो जर्मिनेशन है वो एपिजियल है। आपको ये सारी वन लाइनर चीज़ें आपको ये सारी लर्न करनी होंगी। अब हम बात करते हैं कपास की खली में नाइट्रोजन, कपास से जो खली बनेगी जिसे हम कॉटन ऑयल केक बोलते हैं, दैट इज ऑयल केक। कपास की खली उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, ये भी पूछा गया है, 6.5%। फॉस्फोरस कितना होता है, 3%। और पोटाश कितना होता है, 2%। 6.5% नाइट्रोजन होता है, 3% फॉस्फोरस होता है, 2% पोटाश होता है। विश्व में भारत का कपास के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइज जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन है फर्स्ट में है वो है हमारा इंडिया, और ओरिजिन भी कहाँ से था, इंडिया से। भारत में उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का प्रथम स्थान है भारत में, विश्व का भारत सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर हम प्रोडक्शन और एरिया की बात करें हमारे इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुजरात में। फिर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजस्थान राज्य में उत्पादन व क्षेत्रफल में हनुमानगढ़ जिला का प्रथम स्थान है, ओके। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ मेक श्योर नोट्स बना लीजिएगा इसका।
H4 दैट इज हाइब्रिड 4 विश्व की पहली संकर किस्म है जो सीटी पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित की गई थी. दैट इज हाइब्रिड 4. H4 फर्स्ट किस्म है. पहली कौन सी हाइब्रिड किस्म है, संकर किस्म, हाइब्रिड किस्म है जो किसने, सीटी पटेल ने कहाँ पे, गुजरात में, और कब की थी, 1970 में. क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, जब आपको क्रिटिकल स्टेज का पता होगा कि अगर इस स्टेज पे फसल को पानी नहीं मिला तो सीधा क्या होगा, हमारी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी यील्ड है उस पे, जो हमारी उत्पादन है ना उस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी आपका जो उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा. तो ये जो स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है. इस स्टेज में अगर आपने इरिगेशन स्किप कर दिया तो यानी आपकी जो प्रोडक्शन है वो हाफ रह जाएगा. तो वो कौन सी है कॉटन में, दैट इज़ फ्लावरिंग, जब उसके फूल निकलते हैं कॉटन के, वो स्टेज है. और सेकंड है बॉल फॉर्मेशन, जब उसकी बॉल्स निकलती हैं, जिसे हम आप गांठ या बॉल बोलते हैं, तो वो उसकी क्रिटिकल स्टेज है. ये आपको अब हम बात करते हैं, ये एक साथ ही लिख दिया अमेरिकन और देसी का जो क्लासिफिकेशन वो एक साथ लिख दिया आप, ताकि आइडेंटिफाई ना आपको कन्फ्यूज़न हो और आप ईजीली याद कर पाए. कॉटन का नेम लिख दिया, प्लांट हाइट लिख दिया और फाइबर लेंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर लेंथ. हम बात करते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम आर्बोरियम जिसकी प्लांट हाइट जो होगी वो 1.5 से 2 मीटर हाइट का, 1.5 से 2 मीटर हाइट होगी किसकी, गॉसिपियम आर्बोरियम की, दैट इज देसी कॉटन. गॉसिपियम हर्बेसियम की कितनी होगी, 1 से 1.5 मीटर, ओके. और गॉसिपियम हिर्सुटम की क्या होगी, 1.5. और गॉसिपियम बारबेडन्स की क्या होगी, 1.5 मीटर. 1.5 मीटर सबसे ज़्यादा जो हाइट ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं, देसी कॉटन, ओके. गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम, और जो कम ले रहे हैं वो है गॉसिपियम हर्सुटम और बारबेंडस. अब हम इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइबर लेंथ किस में है, ये आप देख लीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ओके. गॉसिपियम आर्बोरियम का जो फाइबर का जो रेसा है उसका जो लेंथ होगा वो होगा 1.25 से 2 सेंटीमीटर, ओके. और जो गॉसिपियम हर्बेशियम का है उसका जो अपना फाइबर लेंथ होगा वो होगा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर. और गॉसिपियम हिर्सुटम का जो फाइबर लेंथ है वो होगा 1.8 to 3 सेंटीमीटर. और गॉसिपियम बारबेडन्स का जो है वो है 3.6 to 5 मीटर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन सारे चारों में से हम कॉटन को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें उससे अच्छा फर मिल सके, यानी फाइबर मिल सके, यानी लिंट, जिसे आप रेसा बोल रहे थे फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है. उसकी जितनी अच्छी लेंथ होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, उसे उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके प्राइस मिलेंगे. तो किसान को प्रॉफिट कैसे होगा, जब वो अच्छी किस्म लगाएगा और कौन सी से फाइबर अच्छा मिल रहा है. तो जो है गॉसिपियम बारबेंडस, इसका जो रेसे का साइज़ होता है, जो कि हम बोल रहे हैं फाइबर लेंथ होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा. देखो 3.6 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी. तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ ऑफ फाइबर होगा वो किसका होगा, वो होगा हमारा बारबेंडस का, ओके. अब हम बात करते हैं कि हमें कॉटन की क्रॉप को ग्रो होने के लिए कौन सी सॉइल और कौन से क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं मृदा और जलवायु. तो उष्णकटिबंधीय फसल है ये, यानी वार्म सीजन क्रॉप मीन्स खरीफ. इसका जो सोइंग टाइम है ये क्या है, मई जून. सोइंग टाइम कब हम कपास को सो करते हैं, दैट इज़ मई जून. 50% क्षेत्र पर हिर्सुटम, जो कि मैंने आपको, तो गॉसिपियम हिर्सुटम, वो उगाई जाती है. मृदा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे कई बार सॉइल का चैप्टर आएगा तब भी आपको पता लगेगा कि वैसे सॉइल्स हमारी सारी क्रॉप्स के लिए सैंडी लॉयम सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, पर जहाँ कपास की बात आ जाती है, कपास के लिए सॉइल है काली और चिकनी मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल.
ब्लैक सॉइल की जगह अगर आपको ऑप्शन में मिले रेगूर सॉइल, तो रेगू का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कॉटन। तो इसके लिए जो बेस्ट सॉइल है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, वो इसके लिए मोस्ट फेवरेबल सॉइल है। ओके, पीएच क्या होगा, 5 to 7.5 होगा। उपयुक्त तापमान क्या होगा इसकी फसल के लिए कि फेवरेबल, जिसमें वो इजीली ग्रो कर सके, वेजिटेटिव पोर्शन, वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो आसानी से हो सके, तो वो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस में ये आराम से ग्रो होगी। और जर्मिनेशन के लिए बोले तो 16% से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे अबो ही होना चाहिए, तो ये इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं सीड रेट की। बीटी कॉटन की हमने पहले पढ़ ली थी 1 से 1.5, जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई थी। अब हम चारों की एक साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट है फसल देसी कपास, देसी कपास, अमेरिकन कपास, संकर कपास और बीटी कपास, इसे हम हाइब्रिड, इसे हम हाइब्रिड कॉटन भी कहते हैं। चार टाइप, चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कौन सी है सासद, बोलिए, देसी कॉटन, सेकंड है अमेरिकन कॉटन, थर्ड है हाइब्रिड कॉटन एंड फोर्थ वन इज बीटी कॉटन। ओके, तो देसी कपास की जो बीज दर है वो क्या होगी, 10 से 18 केजी पर हेक्टर, यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या है देसी कपास की, 10 से 18 केजी पर हेक्टर, ये किसकी है, देसी कपास की। अब हम बात करें कि कितने डिस्टेंस में बोना चाहिए, तो 60 into 50 cm उसके डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं अमेरिकन कॉटन की। अमेरिकन कॉटन को सीड रेट क्या होगी, 18 से 20। अमेरिकन की देसी की कितनी होगी, 10 से 18, अमेरिकन की क्या होगी, 18 से 20, उसकी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 60 into 30। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड का क्या होगा, 2 to 3, यानी सीड रेट काफ़ी कम हो गई है, 2 से 3 केजी पर हेक्टर सीड रेट हो गई है। और अब अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें थोड़ा सा, थोड़ा क्यों, अच्छा खासा, 100 into 60, ये है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की जो सीड रेट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 1.5 केजी पर हेक्टर। और अगर बात करें इसका डिस्टेंस की, तो 100 into 100 cm, यानी आपके एक हेक्टर में 10,000 प्लांट ग्रो होंगे। एक हेक्टर में कितने होंगे, आप एक बार वापस से देख लीजिए, देसी कपास है 10 से 18, अमेरिकन कपास की 18 से 20, संकर कपास की 2 से 3 है और बीटी कॉटन की कितनी है, 1 से 1.5 केजी पर हेक्टर, ये इसकी बीज दर है, जिसे आप सीड रेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किस्मों पे, किसकी कौन कौन सी वैरायटीज है। देसी कपास की किस्म कौन सी है, दिग्विजय, फर्स्ट कौन सी है, दिग्विजय, सेकंड कौन सी है, गिरनार, इट्स कॉल्ड गिरनार, थर्ड कौन सी है, प्रताप कृषि एक, RG8 और RG18, और फिफ्थ नंबर की जो है वो है लोहित। कौन कौन सी है, दिग्विजय, गिरनार, प्रताप कृषि एक, RG8 और RG18, और लास्ट में कौन सी है, लोहित। ये आपको देसी कपास की वैरायटीज है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन कपास की। अब अमेरिकन कपास को आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नरमा, नरमा कपास भी बोलते हैं इसको, नरमा कपास। इसकी जो वैरायटी है इंपॉर्टेंट, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, सुजाता और RS
810। आप ये सोचेंगे अमेरिकन है तो बीकानेर और अपने राजस्थान के, तो इसे नरमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉटन की, इसका जो फज, इसकी जो ऊन होती है वो बहुत नरम होती है, इसलिए इसे नरमा कपास बोलते हैं, जो कि अमेरिकन, आपने फोटो में भी देखा होगा अमेरिकन की, नहीं तो आगे स्लाइड में दिखा दूंगी कि अमेरिकन और देसी कॉटन में उसका जो रेसा होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है। इसलिए मोस्टली एरियाज पे हम कौन सी कॉटन को ग्रो करते हैं, दैट इज़ अमेरिकन कॉटन। तो आपने ये वैरायटी याद कर ली होंगी। अमेरिकन किस्म कौन कौन सी है, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती है, सुजाता है और आरएस 810 है। नेक्स्ट पे दैट इज संकर किस्में, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटीज, H4, जो कि हमने बात करी थी कि विश्व की सबसे पहली, क्या बात करी थी हमने, विश्व की सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली वैरायटी कौन सी है हाइब्रिड, वो है H4। सेकंड कौन सी है, संकर 6। थर्ड कौन सी है, वारा लक्ष्मी। फोर्थ कौन सी है, मरु विकास। मैंने आपको लिख भी रखा है इसे राज HH16 भी बोलते हैं, जो कि AAO 2010 के पेपर में पूछी हुई, और ये वैरायटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ है अब तक जो पढ़ी है उसमें से, सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी जो है वो है हमारी मरु विकास, जिसे हम राज HH16 भी के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है NHH14। ये दोनों वैरायटीज प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, दैट इज H4, जो कि दोनों हाइब्रिड में आ रही हैं। H4 कौन सी थी, विश्व की पहली संकर किस्म, जो कहाँ से निकली थी, गुजरात से। कब निकली थी, 1970 में। किसने निकाली थी, सीटी पटेल ने। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। और सेकंड जो है मरु विकास, जो कि मेरे राजस्थान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज HH16 एग्जाम में पूछी गई है, RPSC जरूर दोबारा पूछ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट BT कॉटन, हमने देसी कपास की किस्में पढ़ी हैं, हमने अमेरिकन कपास की किस्में पढ़ी हैं, हमने संकर जो हाइब्रिड कपास की किस्में पढ़ी है। अब लास्ट जो फोर्थ कैटेगरी हमारी बची है वो है BT कॉटन। BT कॉटन का क्या है, RS 2013 अंकुर, MECH 162 और बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2, ये चार पांच वैरायटीज़ हैं, RS 2013 अंकुर, MECH 162, बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2। अब हम देखेंगे खाद और उर्वरक, यानी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। FYM, FYM कॉटन को कितना नीड है, 15 से 20 टन पर हेक्टर, 15 से 20 टन पर हेक्टर FYM की, FYM को हम खेत में डालेंगे। नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता है, 40 से 60 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। फॉस्फोरस की कितनी है, 25 से 30, और सेम पोटाश की भी 25 से 30। 15 से 20 टन हमने क्या डाला है, FYM, जो कि है फार्म यार्ड मैन्यूर, यानी गोबर की खाद। सेकेंड नाइट्रोजन, जो कितनी आवश्यकता है, 40 से 60 kg पर हेक्टर। वहीं हम बात करेंगे फॉस्फोरस और पोटास की, तो वो 25 से 30 kg पर हेक्टर। अब खरपतवार प्रबंध, फसल को सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल होता है वो इंसेक्ट करते हैं, उसकी जो यील्ड को डिटोरिएट करते हैं और खरपतवार करते हैं। 30% लॉस हमारे यील्ड का ऐसे ही खरपतवार और इंसेक्ट और इनसे हो जाता है, डिजीज से। तो इसमें है एलाक्लोर, जिसे हम लासो बोलते हैं, लासो के नाम से जानते हैं, वो एट द रेट 1 kg पर हेक्टर। अंकुरण पूर्व, जब प्री इमरजेंसी, मतलब अंकुरण होने से पहले हम इसका छिड़काव करेंगे, किसका, एलाक्लोर का, जिसे हम लासो के नाम से जानते हैं। फिर है बेसालिन, फ्लूक्लोरालिन एट द रेट 1 kg पर हेक्टर, बुवाई पूर्व, बुवाई से पहले इसे हम खेत में छिड़क देंगे ताकि हमारा खरपतवार नियंत्रण हो सके। फिर है डाइयूरॉन, अंकुरण पूर्व एट द रेट 0.5
केजी पर हेक्टर, यह कपास का खरपतवार नाशी, ये जो तीनों, ये कपास के खरपतवार नाशी है। अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि एग्जाम में आ जाए भी 2,4-D का भी यूज़ करते हैं क्या हम कॉटन में, तो 2,4-D का यूज़ हम कॉटन में बिल्कुल नहीं करते हैं। ये है कपास में कभी भी 2,4-D खरपतवार नाशी को काम में नहीं लेते। इससे क्या होता है, ये पौधे पर विषैला प्रभाव, टॉक्सिसिटी देता है, विषैला प्रभाव डालता है। उसके क्या होगा, कपास की जो पत्तियाँ होंगी वो अंगुली नुमा आकार में मुड़ जाएंगी, लीफ मुड़ जाएंगी, लीफ स्क्रॉचिंग हो जाएगा। ओके, इसलिए हम 2,4-D का यूज कभी नहीं करते हैं। तो आपको क्या याद कर रखना है, एलाक्लोर, बेसलिन और डाइयूरोन। कब कब डालते हैं, एलाक्लोर को डालते हैं अंकुरण के पूर्व, बेसलिन को डालते हैं बुवाई से पूर्व और डाइमिथियोन को अंकुरण पूर्व डालते हैं। 2,4-D का यूज हम नहीं करते हैं। अब हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तीन है यहाँ पे। एक तो है तिराग, जो कि क्रैकिंग हो जाती है बॉल्स की। अब यह है गांठ का परिपक्व होने से पहले फट जाना, तिराग नाम से ही है कि वो तिड़क जाएगा। आपकी बॉल्स बनी और उसमें वो फट गई, यानी कॉटन तो निकली ही नहीं बाहर, हाफ मेच्योर है वो, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये आप याद रखिएगा, गांठ का परिपक्व होने से पहले, यानी उसमें कॉटन नहीं बना, उसमें लिंट नहीं बना अभी भी, वो मैच्योर होने से पहले ही फट जाएगी। तो किस लिए होती है ये समस्या, क्षारीय मृदाओं में होती है और में नाइट्रोजन की कमी से होती है। तो नाइट्रोजन अगर आप डालेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपके खेत में नहीं होगी। क्या नाम है इसका, तिराग, यानी गांठ परिपक्व होने से पहले ही फट जाती हैं। अब हम बात करते हैं लिटिल लीफ की। लिटिल लीफ यानी लिटिल लीफ, छोटी, लिटिल यानी छोटा, लीफ का छोटा हो जाना। तो इस प्रकार के पौधों में पत्तियां छोटी हो जाती है, जैसा कि नाम से ये लिटिल लीफ। ओके, और ये किसकी कमी से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से, जेडन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। तिराग किसकी डेफिशिएंसी से, ये होता है क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, लिटिल लीफ होता है जिंक की डेफिशिएंसी से। अब है क्रिंकल लीफ, क्रिंकल यानी पत्तियों का सिकुड़ जाना, क्रिंक हो जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना, तो वो किसकी कमी से, कमी नहीं, वो MN की अधिकता से होता है, मैग्नीशियम। ये दोनों जिंक, ये तिराक जो होगा वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होगा, लिटिल लीफ जिंक की डेफिशिएंसी से होगी, और जो क्रिंकल लीफ है वो MN की अधिकता की वजह से होगा। अब हम जो इम्पॉर्टेंट, अब हम कॉटन की मेजर डिजीज की बात करते हैं। जो कीट और बीमारियां हैं वो है जीवाणु अंगमारी, जिसे हम ब्लैक आर्म या फिर झुलसा रोग भी बोलते हैं। तो वो क्या है, किसकी वजह से होता है, दैट इज जैंथोमोनास, किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास माल्वे सिटोरम की वजह से जीवाणु अंगमारी, एंगुलर बोलते हैं जिसको हम, ब्लैक आर्म और झुलसा, ये किसकी किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास और माल्वे सिटोरम, और उकटा रोग जिसे आप लोग बोलते हैं विल्ट, ये विल्ट किससे होता है, फंगस से, दैट इज फिजोरियम स्पीसीज की फंगस है, उसकी वजह से विल्ट होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव करते हैं, कितना, 0.2% का छिड़काव करते हैं मैनकोजेब का। रूट रोट क्या होता है, तो वो किससे होता है, राइजोक्टोनिया बैटाटिकोला की वजह से रूट रोट होता है, यानी रूटें जो आपकी जड़ होती है, कपास की जड़ सड़ जाती है, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज राइजोक्टोनिया। अब है पादप संरक्षण, जिसको हम प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। कपास में हानिकारक कीट सफ़ेद मक्खी, आपको पता ही है, वाइट फ्लाई, माहू, मोलिया, तेला या मिलीबग आदि पत्तियों का रस चूसते हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये सकिंग पेस्ट है, ये लीफ का जूस चूसते हैं, और ये क्या करते हैं, उनसे जो मीठा, ये जूस, लीफ का जूस चूसेंगे तो उसमें क्या होगा, ये लोग सैप करेंगे उस जूस को, तो फिर क्या, चिपचिपा एक लिक्विड सा निकलेगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, फिर वो जो वायरसेस होंगे ना उनको इनविटेशन देगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारी जो क्रॉप है उस पर वायरस का अटैक हो जाएगा। तो ये सारे सफ़ेद मक्खी, माहू जिसे मोले और तेला बोलते हैं, या मिलीबग है, ये सब पत्तियों का रस चूसते हैं, उस पर चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और उससे क्या होगा, हमारा वायरस का जो अटैक है वो क्रॉप पे और बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उनका नियंत्रण कैसे किया। नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रति हेक्टर 20 से 25 पीले प्रपंच, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाइट ट्रैप। प्रति हेक्टर 20 से 25 पीले प्रपंच लगाएं, यानी लाइट ट्रैप का यूज़ करें आप अपने फील्ड में। उससे क्या होंगे, सारे कीड़े अट्रैक्ट होंगे लाइट की तरफ और वो वहाँ पे इकट्ठे होके मर जाएंगे। फिर है नीम तेल, 5 ml टीनोफोल और सेंटोविट 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव करें, 1 लीटर वाटर में उसका छिड़काव करें नीम ऑयल का। और है इमीडा क्लोरोपिड 200 ml पर हेक्टर। इमीडा क्लोरोपिड का कितना, 200 ml पर हेक्टर। डायमिथोएट 1 लीटर पर हेक्टर। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट की, इम्पॉर्टेंट अगेन। सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है वो किसका होता है, अमेरिकन बॉलवॉर्म का, जिसे हम फ्रूट बोरर बोलते हैं, जिसका इसका नाम आपको एंटोमोलॉजी में वैसे भी पूछ लिया जाएगा, दैट इज़ हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, दैट इज़ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। कौन सा है, फ्रूट बोरर। ये क्या करता है, फ्रूट में बोर कर देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये रहा उसका बॉल। और ये जो है ये अमेरिकन बॉलवर्म है, ये क्या कर रहा है, आपके देखो आपकी कॉटन बनी भी नहीं, आपका पॉड खिला भी नहीं, उसमें कुछ बना भी नहीं और इसने उसे डैमेज कर दिया, तो क्या कॉटन उगेगी, यानी यील्ड को ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट कौन सा है हमारा, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, ओके। हेलिको फ्रूट बॉरर बोलते हैं इसको, दैट इज हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब है पिंक बॉलवर्म, ये क्या है, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिला, गॉसिपिला क्योंकि कॉटन का है, गॉसिपिला, ठीक है, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिला पिंक बॉलवर्म ये है, जो कि आपका क्या कर रही है, पूरा इसने पिंक पिंक कलर अपीयरेंस होता है इसका, और आपके फ्रूट को देखो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा आपको ये पूरा ब्राउन नजर आ रहा होगा, ये पोर्ट पे अमेरिकन बॉलवर्म और ये है आपका पिंक बॉलवर्म। अब है स्पॉटेड बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म भी क्या होगा, कैटरपिलर होगी और उस पर स्पॉट्स होंगे, ओके, ब्राउनिश कलर अपीयरेंस होगा उसका। उसका जो नाम है, जूलॉजिकल नाम, वो है इरासिस विटिनेला, इरासिया विटिनेला। अब है वाइट फ्लाई, जिसको आप बेमेसिया टेबेकाई बोलते हैं, वो जो कि क्या कर रही थी, वायरस को ट्रांसमिट करती है ना। और है कॉटन एफिड, एफिड गॉसिपिला। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ही दिए हैं मैंने 5, और ये आपको याद ही करने होंगे, दैट इज अमेरिकन, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अमेरिकन बॉलवर्म, फ्रूट बोरर, क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, सेकंड है पिंक बॉलवर्म, जिसे आप बोलते हो पैक्टिनोफोरा गॉसिपिला, थर्ड है स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसे आप बोलते हो एरिसिस वेटिनेला, और फोर्थ है वाइट फ्लाई, जिसका नाम है बेमेसिया टेबेकाई, फिफ्थ है कॉटन एफिड, दैट इज एफिड गॉसिपिला, लास्ट इल्ड, जिसे हम उपज बोलते हैं। तो आपकी देसी कपास की क्या होगी, अमेरिकन कपास, संकर कपास की क्या होगी, और बीटी कॉटन की क्या होगी। तो देसी जो उन्नत किस्म से है उसके तो आपको मिलेगी 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर, कितनी मिलेगी देसी से, 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर। वहीं हम संकर की बात करें, यानी हाइब्रिड की बात करें, वहां पे आपकी यील्ड मिलेगी आपको 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर, दैट इज 15 to 20 क्विंटल्स पर हेक्टर। और जहाँ बीटी कॉटन की बात करें, तो बीटी कॉटन हाइएस्ट प्रोडक्शन करता है, जो कि है 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टर। देसी कपास की क्या होगी, 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर। संकर किस्म, जो संकर हमारी किस्में हैं, हाइब्रिड वैरायटीज हैं, उसकी क्या होगी, 15 से 20, और जो बीटी कॉटन है उसकी क्या होगी, दैट इज 20 to 25। सो आपका कॉटन की क्रॉप का कल्टीवेशन पूरा ख़त्म होता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें पूरी तरीके से अच्छा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। आप इसको जो शुरू में जो टर्मिनोलॉजी है उसी से स्टार्ट करके इसको पूरा रिकॉर्ड कीजिएगा, पूरा नोट डाउन कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर एग्जाम पर्पज। आपको विद डायग्राम बताया गया है कि देखिए आप देसी कॉटन का जो ये एक मिस हो गया था, देसी कॉटन में हमने
दोनों जो इसकी स्पीसीज थी वो याद कर ली थी, बट देखिए देसी कॉटन का बॉल कैसा है और अमेरिकन कॉटन का कैसा है, हमें कितना अच्छा लिंट मिल रहा है इससे, कितना अच्छा फज है, कितना अच्छा रेसा है, बिल्कुल फूला फूला। और यहाँ पे हम जब देसी कॉटन की बात करें तो इतनी अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है वो हमें इससे प्राप्त नहीं होती, इसलिए हमारे इंडिया में मोस्टली एरियाज पे हम हिरसुटम और बारबेडस का यूज़ करते हैं। ये आपने देख लिया था, दैट इज़ डी लिंटिंग, और ये टॉपिंग, रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन, और इसमें हम क्या करते हैं, सीड आर रिमूव्ड फ्रॉम कपास, यानी कपास के सीडों को रिमूव करना आपस में, तो डी लिंटिंग। गिनिंग आपका हो गया था, कपास में बिनोलो को रुई से अलग करना, ये उसकी प्रोसेस आपने देख ली थी, तो दैट इज़ इनफ। कॉटन सीड्स आपको एक ही तरीके से याद करना है, कॉटन सीड सीड है, कॉटन सीड क्या है, सीड है सिर्फ, उसमें लिंट नहीं है, कॉटन सीड सीड है, और सीड जो कॉटन होगा वो सीड प्लस लिंट होगा, तो ये लिंट को हटाने के बाद जो मिलेगा वो आपका बिनोला होगा, आपने देखा ही होगा ये सब। ये बेल, ये आपको विद डायग्राम दिखा दी गई है कि ऐसी बेल होती है कॉटन की, एक गांठ का वजन जो होगा वो 170 केजी होगा और जूट में 180 होगा। फज, फज का आपने देख लिया, छोटे छोटे जो रेशे होंगे ना, हम बोलते हैं ये फजी हेयर है, तो छोटे छोटे जो रेशे होंगे वो होंगे फज, और जो बड़ा रेशा होगा जैसा कि आप देख रहे हैं वो होगा लिंट। तो थैंक यू दोस्तों।